तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं दशम फॉल, देख सकते हैं रेस्क्यू करके गाय को उठा लिया गया है और वो बच गई है, जिंदा है। हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल #Guruji Samson में, आपके यूट्यूब चैनल #Guruji Samson में। और आज हमारे साथ में है हमारे मित्र मिस्टर पांडे जी, तो हाय कर दीजिए हमारे दर्शकों को। तो पांडे जी बताइए आज कहाँ जा रहे हैं हम लोग? दशम फॉल जा रहे हैं आज। दशम फॉल में क्या करना है? वही थोड़ा घूमना है, आज बहुत दिन बाद जा रहे हैं, निकले हैं। तो दोस्तों झारखंड का सबसे बेहद ही खूबसूरत फॉल आपको दिखाने जा रहे हैं, जो रांची और टाटा हाईवे के अंदर में पड़ता है, जो बुंडू के अंदर में पड़ता है। तो आपको कोशिश करेंगे कि दशम फॉल के बारे में आपको बढ़िया से जानकारी दे सके। लेकिन पांडे जी आप बताइए कि दशम फॉल बहुत दिन के बाद में हम लोग जा रहे हैं, कैसा रहेगा आज का सफ़र? तो सही रहेगा आज का, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, पहली बार जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं, हम तो कई बार जा चुके हैं लेकिन दर्शकों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं दोस्तों आगे ब्लॉग में और बने रहिए। देखिए हमारे पीछे में जो पहाड़ नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक के ऐसे जगह में हम लोग खड़े हैं और साइड में हाईवे है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा हमारे ब्लॉग में। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं दशम फॉल, यह प्राकृतिक का नज़ारा का आनंद आप ले सकते हैं। और यह दशम फॉल बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना मनमोहक दृश्य आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे में। यहाँ आने के लिए अगर जमशेदपुर से आप आते हैं तो कम से कम 115 किलोमीटर, और रांची से अगर आते हैं तो 45 किलोमीटर आपको पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि रांची से बहुत ही नज़दीक है, जमशेदपुर से थोड़ा सा दूर है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। इसका एंजॉय लीजिए और बने रहिए। और भी नई नई जगह अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंजॉय लीजिए दोस्तों। ये चीज़ दिखाना चाहते थे आपको, ये देखिए कितना खूबसूरत ये दशम फॉल का नज़ारा है दोस्तों। जिस प्रकार से हिंड्रू फॉल खूबसूरत है, उसे अच्छा और भी जगह बहुत ही खूबसूरत है झारखंड में, हर जगह खूबसूरत है। तो ये देख सकते हैं मेरे पीछे में कि जो कि आपको दशम फॉल का नज़ारा आपको दिखाते हैं। प्राकृतिक संपदा से भरपूर
और इधर नीचे हम दिखाएंगे। ये देखिए पूरा कुहासा से लथपथ है। बहुत ही प्रकृति का विघ्रम दृश्य आप यहां पर देख रहे हैं दशम फॉल। चलिए थोड़ा सा बातें करते हैं दशम फॉल के बारे में। तो भाई साहब बताइए आप कहाँ से आए हैं पहले ये बताइए। जी मैं जमशेदपुर से हूँ। ओके मैं भी जमशेदपुर से हूँ। तो दशम फॉल कई झरना आप रांची में देखे हैं कि और भी कोई झरना देख चुके हैं? ये रांची से हम हुडू फॉल भी देखे हुए हैं, उसके बाद ये सेकंड टाइम है जो हम दशम फॉल में आ रहे हैं। और दशम फॉल बहुत दिन से इच्छा था आने का लेकिन समय नहीं मिलता था। अभी हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा था तो इस समय आते समय देखे कि समय भी है तो चलो इसका एक बार मज़ा लिया जाए। जी दोस्तों यही तो मज़ा है घूमने फिरने, मतलब काम के साथ में अगर आते हैं तो मज़ा बिल्कुल लीजिए, क्योंकि यह मज़ा ज़िंदगी में एक बार आता है, दो बार आता है, बार बार नहीं आता है। क्यों भाई? एकदम हम अपने आपके जितने भी व्यूअर हैं हम सबको यही रिक्वेस्ट करें कि हर मोमेंट का आनंद लिया कीजिए। जी हाँ हमारे सब्सक्राइबर से बहुत अच्छा उम्मीद रखते हैं कि आप सभी को एक बढ़िया सा मैसेज दे रहे हैं कि जिंदगी के हर पल का एंजॉय लिया कीजिए। आप क्या करते हैं? हम लोग टीचिंग में है सर, दोनों टीचिंग में है। अच्छा आप लोग दोनों जन टीचिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ रांची क्या एग्जाम्स के पर्पस पे? मतलब हाँ टीचिंग का टीचर का एग्ज़ाम चल रहा था हम लोग का, उसी में आए थे हम लोग। तो बीच में दसम फॉर मिलता है तो चलो इसमें एंजॉय कर लेते हैं हम लोग। मतलब हर मर्ज का दवा है, बहाना चाहिए दोस्तों घूमने का। चाहे फैमिली से दुख भी हो जाए ना तो कम से कम घूमने फिरने में एक बार निकल जाएंगे ना तो सारा कुछ टेंशन ही ख़त्म हो जाता है। तो झारखंड में ऐसे बहुत सारे जगह है और मैं अपने व्यूअर्स को हर जगह दिखाने का कोशिश करता हूं सर। यही उम्मीद रहती है कि झारखंड का कोई ऐसा कोना जो प्राकृतिक संपदा से भरपूर है वो छूटे ना। सर ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं ना घर से नहीं निकल पाते हैं, जैसे बुज़ुर्ग लोग हो गए या फिर बच्चे लोग हो गए, लेकिन देखने का इच्छुक होता है तो वो लोग सब YouTube के माध्यम से ही, आजकल का जो जनरेशन चल रहा है YouTube के माध्यम से सब कुछ देखना पसंद करते हैं जो जा नहीं पाते हैं। बाद में कभी टाइम मिले तो भले ही जाते हैं लेकिन YouTube ही मेन माध्यम हो जाता है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? यही तो है डिजिटल इंडिया। तो हमारे सब्सक्राइबर से क्या कहना चाहेंगे? सब्सक्राइबर से मेरा यही कहना रहेगा कि जिंदगी एक बार मिलता है उसको खुल के एंजॉय कीजिए, सुख हो चाहे दुख हो, हर एक समय है जो आता है जाता है। तो हम आगे देखते हैं किस प्रकार से एक रेस्क्यू की गई गाय हमारे सामने आई। देख सकते हैं रेस्क्यू करके गाय को उठा लिया गया है और वो बच गई है, जिंदा है। मैं आपको पास से दिखा देना चाहता हूँ। गाय तंदुरुस्त है, वेल डन, बहुत अच्छी तरह से वो रेस्क्यू की गई है। ये पहाड़ से गिर चुकी थी और इनको हमारे रेस्क्यू टीम झारखंड के दशम फॉल के कमेटी मेंबर्स गण किस प्रकार से छुड़ा करके लाए हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि गाय हमारी माता है, सब कुछ है। और बहुत ही मुश्किल से इन्होंने बहुत ही मेहनत करके इतना रेस्क्यू करके इनको लाया गया है गौ माता को। देखिए ये तंदुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। सर ये बताइए कि ये गाय किस अवस्था में यहाँ गिरी थी या क्या हुआ था? हम तो नहीं जान रहे हैं लेकिन आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हमको भी पता तो नहीं हुआ, नीचे से गिरा, ऊपर से गिरा था नीचे, तो हम लोग देख लिया तो उसको बचा लिए, साइड में था उसको निकाल लिया, अभी लेकर आ रहे हैं ऊपर।
तो आप यहाँ पर क्या करते हैं सर? हम लोग यहाँ पर्यटन मित्र हैं, यहाँ पर हम लोग ड्यूटी गार्ड का काम करते हैं, गार्ड प्लस साफ सफाई का काम करते हैं हम लोग यहाँ पर। लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत सारे उपाय हाँ 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 हम लोग हाँ। तो इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे जो यहाँ पर लोग आते हैं? आते हैं तो हम लोग आदमी सबको बोलते हैं कि भाई जिधर तेज बहाव है उधर नहीं जाने के लिए बोलते हैं, सेफ के लिए। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम शिवनाथ मुंडा है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं सुखराम जी यहाँ पे रेस्क्यू टीम से हैं और यहाँ के सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा। एक और भी भैया हैं यहाँ जा रहे हैं अभी, तो ये देख सकते हैं इन्होंने सेफ्टी के लिए बहुत सारा उपाय किया हुआ है ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। और यह है दशम फॉल का बहुत खूबसूरत नजारा। तो दोस्तों, दशम फॉल का यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके ज़रूर बताइए। दिल में बहुत सारी तकलीफें, दुख तकलीफ बहुत सारी आती जाती रहती हैं, लेकिन हम अपना वर्क करना तो नहीं भूलते हैं ना। एक दोस्त कमेंट किया था, किसी बहुत ही बुरा कमेंट किया था, मैं उसके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखो दोस्त, तकलीफ दुनिया में ऐसी ऐसी तकलीफ आती जाती रहती हैं जो कि आपके साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी, किसी और के साथ भी। तो वह पल को किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए दोस्त। बस जिंदगी है, किस्मत जो है वो होके रहेगा और किस्मत में जो लिखा है वो होके रहेगा। आना जाना तो जिंदगी का एक मकसद है, एक आता है दूसरा जाता है। तो ये आपका कमेंट का, पिछले वीडियो का कमेंट का आंसर है। तो दोस्त, किसी के लिए भी दुख में कभी भी आप कभी भी किसी के लिए मजाक ना उड़ाएं, गलत कमेंट ना करें यार। अगर अच्छा कमेंट है तो उसको कीजिए, लेकिन किसी के लिए मजाक ना उड़ाएं। तो फ्रेंड्स, ये सब बोरिंग बातें हैं, आप उसको इग्नोर कीजिए। तो कैसा लगा हमारा यह दशम फॉल का आज का वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, फिर मिलते हैं।